रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के पीछे स्थित मिनरवा अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का आरोप, डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत, देर रात तक चलता रहा हंगामा। मिनरवा अस्पताल में बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। रीवा के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित मिनरवा अस्पताल में बीती रात एक बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्चे की मौत पर परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही, गलत इलाज की वजह से हुई बच्चे की मौत। हम आपको बता दें, गुड़हर निवासी शिवम मिश्रा के पुत्र को बुखार हुआ था, जिसको लेकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के गलत इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक बच्चे को सिविल लाइन पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा बच्चे की मौत का असली कारण क्या है। अस्पताल जब से खुला है तब से किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। पिछले दिनों मिनरवा तब चर्चा में आया था जब जबलपुर में एक अस्पताल में आगजनी की घटना हुई थी। निकलने का रास्ता नहीं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा नज़र आता है। पार्किंग नहीं, दूसरे की ज़मीन पर पार्किंग, वह भी काफ़ी दूर। पार्किंग की जगह पेट्रोल पंप। कल्पना करिए, पेट्रोल पंप में अगर कुछ हुआ तो अस्पताल के मरीज और स्टाफ किस तरीके से अपनी जान बचा पाएंगे। पूरे मामले को लेकर हमने सिविल लाइन TI और बच्चे के परिजनों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्चे का इलाज हो रहा था, जिसके दौरान उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम था। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी द्वारा इलाज किया जा रहा था, अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसको मिनरवा हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया था और यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको इलाज के दौरान डेथ घोषित किया गया है। आरोप है कि इलाज प्रॉपर नहीं किया गया या ब्लड चढ़ाने में कोई दिक्कत हुई है। मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होगी। आरोप भी लगे डॉक्टर के पास, तो फिर क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आरोप यदि प्रमाणित हो गए तो आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। बच्चे को कुछ नहीं, उसको फीवर हुआ था, बस हमने चेक करा, उन्होंने बोला कि उसको ब्लड कम है, हमने ब्लड अरेंज किया, इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा ठीक है। कब यहाँ लाके एडमिट कराए तुमने? आज तीसरा दिन है, दो दिन पहले एडमिट करवाया, उसके पहले भी उनको दिखाते थे। डॉक्टर ने हमको सिर्फ चूतिया बनाया है, हमसे हर चीज की फीस सिर्फ बताई है, हम इसका इतना चार्ज लेंगे, हमारे यहाँ इसका इतना चार्ज लगेगा, हमने बोला सब कुछ लो लेकिन मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। अपना चार्ज बता रहे थे हम 10,000 लेते हैं, टेस्ट का 5,000 रूपए एक बार झांकने का लेंगे, आएंगे तो दिन में 4 बार जाएंगे, तो 8,000 रूपए चार्ज लेंगे, ये चार्ज वो चार्ज, हमने ब्लड किया, ब्लड चार्ज किया, टोटल कुछ नहीं पता, तो कोई ट्रीटमेंट चालू किया, तभी भी बोला 15,000 रूपए जमा करो, 5,000 रूपए जमा करो, तब ट्रीटमेंट चालू करें। बाबू तुम सब बताओ, ये बोले खून की खून अरेंज किया, ब्लड बैंक यहाँ बिंदा हॉस्पिटल से ब्लड बैंक अरेंज किया, ब्लड बैंक खून अरेंज करने के बाद लेके आए, कल पूरी रात उनका टेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे लेके आए, पूरी रात सुबह में खून चढ़ाए, 15 मिनट चढ़ा, उसके बाद फिर उसके बाद फीवर आया, उसको फीवर आया तो इंजेक्शन लिया, फीवर का इंजेक्शन लगाया उन्होंने, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, ये हमको चूतिया बना रहे थे, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, फीवर कम नहीं हो रहा था, ये 2 दिन से दवा कर रहे हैं फीवर का, लेकिन फीवर मेरे बेटे का कंट्रोल नहीं हो रहा था। नहीं समझ में आ रहा तो बता देते, हम लोग लेके चले जाते, लेकिन फिर भी ये बताइए आपको लापरवाही से मौत हुई। सब डॉक्टर की लापरवाही और उनके वो दो कौड़ी के असिस्टेंट नर्सिंग के नई नई लड़के, वो नया असिस्टेंट, सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, उसका लाइसेंस रद्द हो गया, उसका मैंने मेरे बेटे को मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आपका नाम कहाँ से आए? हम यही के हैं, रीवा के हैं, कोई नहीं, लोगों ने जानबूझ के मार दिया मेरे बेटे को।